नमस्ते फ्रेंड्स, मैं उज्ज्वला महाजन आप सभी का स्वागत करती हूँ कुक विद क्लासी रसोई में। आज मैं लाई हूँ आपके लिए फ्रेंड्स पालक के साथ गोभी आलू की सब्जी और पालक की पूड़ी। चलिए आगे बनाना देख लेते हैं। ये मैंने आधा किलो पालक ली हुई है साफ करके धो के। अब इसको हम गर्म पानी में थोड़ा उबाल लेते हैं और उबालते समय इसमें हम टमाटर डाल देंगे साथ में। फ्रेंड्स पानी गर्म होने लगा है, खौलने लगा है पानी। अब हम इसमें धुली हुई पालक डाल देंगे, साथ में टमाटर डालेंगे ऊपर से थोड़ा कट लगा के। अब इसको थोड़ा ढक देंगे और उबलने देंगे। फ्रेंड्स जब तक पालक और टमाटर बॉईल हो रहे हैं तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। गोभी आलू को छील काट के रख लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने आलू छील लिए हैं, गोभी को भी काट लिया है, धो लिया है। अब इसको थोड़े गर्म पानी में भी धो लेते हैं ताकि कीड़े वीड़े हों, गंदगी हो, सब निकल जाए गर्म पानी से। देखिए फ्रेंड्स पालक और टमाटर उबल चुके हैं। इसको अब हम गैस बंद कर देंगे इसकी और इसको निकाल लेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद में पीस लेंगे टमाटर के ही साथ। गोभी को भी गर्म पानी में धुलने के लिए रख दिया है, साफ पानी से धो लिया 2-3 बार। अब थोड़ा गर्म पानी में भी धो देंगे ताकि कीड़े वगैरह कुछ हों तो वो भी निकल जाएं। गर्म पानी हो चुका है, अब इसको हम पानी में से निकाल देते हैं। इसको पानी से अलग कर देते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। और पानी को फेंकेंगे नहीं, पानी अभी आगे सब्जी में काम आएगा और पूरी का आटा भी लगाने के काम में आ जाएगा। चलिए इसको ठंडा होने देते हैं, फिर पीस के लाते हैं। पालक ठंडी हो रही है तब तक हम इसमें आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम एक तेज़पत्ता डाल देते हैं और शाही जीरा, हरी मिर्ची और प्याज। अब डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ पे आधा किलो आलू और आधा किलो गोभी लिया है, उसी हिसाब से मैं सब्जी बना रही हूँ। सारा सामान उसी हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हूँ। जब तक प्याज भून रही है तब तक थोड़ा गरम मसाला लिया है मैंने, इसको कूट के दरदरा कर लेते हैं। ये मसाला कूट के दरदरा कर लिया है, इसमें डाल देते हैं। प्याज भी भून चुकी है, अब इसमें हम थोड़ा मसाला डालेंगे रेगुलर वाला। हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया, अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा पानी डाल के इसको भून लेते हैं। फ्रेंड्स मसाला उसी हिसाब से डालें, अभी पालक में भी मसाला और नमक मिर्ची सब जाएगा, उसी हिसाब से इसमें डालें। मसाला भून चुका है, अब इसमें हम आलू और गोभी डाल देते हैं। फ्रेंड्स ये गोभी आलू पकाने में तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे ताकि वो अच्छे से पक जाएं और फ्राई ना करना पड़े गोभी आलू, क्योंकि इस सब्जी में गोभी आलू को फ्राई करके डालना पड़ता है, डीप फ्राई। मैं नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही पका के डालती हूँ। अब इसको पकने देते हैं, पकने के बाद मिलते हैं। गोभी आलू पक रहे हैं तब तक पालक ठंडी हो चुकी है, अब हम इसको भी पीस लेते हैं। टमाटर के छिलके निकाल दिए हैं। टमाटर के साथ जो पालक पीसेंगे बस उसी का सब्जी में उपयोग करेंगे, बाकी पूरी के लिए बिना सब्जी का डालेंगे, बिना टमाटर का डालेंगे। चलिए इसको लेते हैं। पालक पिस चुकी है, चलिए अब इसको भूंज भी लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स सब्जी पक रही है, अभी 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए, अभी थोड़ा और पकाएंगे। जब तक गोभी आलू पक रहे हैं तब तक हम साइड में पालक को भी भूंज लेते हैं अच्छे से, इसको अभी और पकने देते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स तेल थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि गोभी आलू में हमने अच्छे से डाला हुआ है। पालक भूनने के लिए कुछ भी मसाला नहीं डालेंगे, तेल गरम होने देते हैं। फ्रेंड्स तेल गरम हो चुका है, इसमें हम थोड़ा लहसुन डालेंगे और लौंग और हींग, बस इसके अलावा
थोड़ा हरी मिर्ची। फ्रेंड्स यहाँ पर रेगुलर मसाले लिए हैं, थोड़े थोड़े पानी डाल के डाल देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स सारे मसाले हम गोभी आलू में डाल चुके हैं पकने के लिए, इसमें सिर्फ हींग, लौंग, लहसुन और हरी मिर्ची और रेगुलर मसाले जैसे धनिया, मिर्ची, हल्दी और थोड़ा नमक, बस यही डालेंगे और इसको भूनने देते हैं। फ्रेंड्स ये मसाला भून चुका है, अब पालक को डाल देते हैं। जो पालक उबालने का पानी बचा था पानी वही यूज करेंगे इसमें। फ्रेंड्स यदि आप डीप फ्राई करके गोभी आलू बना रहे हैं तो पालक में ही सारा, जैसे मैंने कुछ डाला नहीं, सिर्फ लौंग लहसुन वगैरह डाला है। यहाँ पे आप सारे गरम मसाले और अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट वगैरह सब डाल सकते हैं। अब इसको भून ले देते हैं धीमी आंच पे। इसको ऐसे ही स्लो फ्लेम पे भूनते रहेंगे जब तक कि ये तेल और पालक सेपरेट ना हो जाए। फ्रेंड्स देखिए पालक भून चुकी है, अब इसमें हम गोभी आलू को भी डाल देंगे। चलिए देख लेते हैं गोभी आलू को भी। फ्रेंड्स गोभी आलू भी पक चुका है, अब इसी में हम पालक डाल देंगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे, लो टू मीडियम। फ्रेंड्स याद रहे पानी हमें वही डालना है जो पालक उबाला था और बचा था पालक उबालने के बाद। अब इसको थोड़ा 1 मिनट पालक के साथ भी पकने देंगे ताकि एक सार हो जाएं गोभी आलू और पालक। देखिए फ्रेंड्स सब्जी बन चुकी है, अब इसमें थोड़ा कसूरी मेथी डाल देंगे और गैस को बंद करके थोड़ा ढक देंगे ताकि कसूरी मेथी का भी फ्लेवर आ जाए। चलिए अब सब्जी को गैस से उतार लेते हैं। अब यहाँ पे मैं पूड़ी के लिए पालक पीसने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 15 से 20 लहसुन की कलियाँ डाली हैं पालक, उबली हुई पालक के साथ, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, साथ में 2 हरी मिर्ची भी डाल देंगे और इसको पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स पिस गई है पालक, अब हम इसके साथ में पालक के पेस्ट के साथ में पूड़ी का आटा लगा लेते हैं। फ्रेंड्स अब आटा लगा लेते हैं पूड़ियों के लिए। यहाँ पे मैंने 3 कप आटा दिया है गेहूं का और 1 कप बेसन, आधा कप सूजी, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़े चिली फ्लेक्स, और डालेंगे 2 चुटकी हींग। थोड़ी अजवाइन मल के और 8 से 10 लौंग और काली मिर्ची 8 से 10, 1 बड़ी इलायची यानी कि डोंडा, इसको भी कूट के डाल देंगे। ये मैंने लौंग, काली मिर्ची और डोंडा को कूट के ले लिया है, ये भी इसी में डाल जाएगा। और ये मैंने थोड़ा खड़ा धनिया और थोड़ी सौंफ ली है, इसको भी दरदरा कूट लेंगे। फ्रेंड्स ये सौंफ और खड़ा धनिया हमने कूट लिया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं अच्छे से। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून तेल लिया है गरम करके और इसमें थोड़ा काला नमक भी डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। अब इसका डो लगा लेंगे पालक के साथ में, इसको तेल और नमक को मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये सब मसाला और आटा एक सार हो गया है, तेल भी मिल गया है। चलिए अब इसका पालक के साथ डो लगा लेते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स डो लग चुका है, अब इसमें थोड़ा
तेल का हाथ लगा देते हैं और इसको थोड़ा रेस्ट करने देते हैं, फिर मल के एक सा कर लेंगे। फ्रेंड्स आटा 5 से 10 मिनट रेस्ट कर चुका है, चलिए अब इसको देख लेते हैं। अच्छा लग चुका है डो इसका, बहुत टाइट नहीं है, बहुत सॉफ्ट नहीं है, जैसे सादा पूरी का आटा लगाते हैं वैसे ही इसका भी आटा लगाया है, और इसमें सूजी डली है तो थोड़ा और भी रवा फूलता है तो थोड़ा हार्ड हो जाता है। चलिए अब पूरी बना लेते हैं। फ्रेंड्स छोटी छोटी पूरी के जैसी लोई बना ली है, चलिए अब इनको बेल लेते हैं। थोड़ा तेल लगा लेंगे ताकि चिपके नहीं। फ्रेंड्स पूड़ियाँ बेल चुकी हैं, चलिए अब इनको सेक लेते हैं। मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, हम इसमें पूड़ी भी डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स पूड़ी सेक चुकी हैं। देखिए फ्रेंड्स गोभी आलू की ग्रीन ग्रेवी की यानी कि हरी ग्रेवी की सब्जी बन के तैयार है और पालक की पूड़ी भी बन के तैयार है। जिस तरह से मैंने बनाई है सेम उसी तरीके से आप भी बना के देखिए, एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे गोभी आलू को डीप फ्राई करके नहीं डाला है, यदि आप डालना चाहें तो जो मसाला मैंने गोभी आलू में सारा डाला था वो आप पालक को भूनने के पहले डालें और फिर पालक को भून के गोभी को डीप फ्राई करके उसमें मिक्स कर दें तो सेम यही स्वाद आएगा सब्जी में। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।